फिर से मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। लव इज आई कॉल बिजी है। बिजी है बस। बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। तो गाइस फाइनली कॉल लग गए। हाँ सर, नमस्कार सर। सर मैं यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली सर काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आ रहा है, तो सर ये एग्ज़ाम 10 तारीख का या 9 तारीख का एडमिट कार्ड नहीं खुल पा रहा है सर। हेलो, क्या सर? तो सर बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो पहले आपके सेंटर पे आएंगे फिर इनका ये हो पाएगा। अच्छा, जो सर बच्चे यूपी से हैं तो पहले आपके कार्यालय आएंगे फिर सेंटर पे जाएंगे। बच्चे यूपी से, झारखंड से फोन कर रहे हैं, बोले सर मेरा एग्जाम है, तो उनको तो इतना पता तो नहीं होता है ना सर। बोला वेट करने के लिए, हमें बोला है वेट करिए, कुछ साहब बताएंगे। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ 11 तारीख को सर, 11 तारीख को जब तो सर एडमिट कार्ड नहीं खुल पा रहा है सर। तो एडमिट जैसे सर 8 का एग्जाम है, एडमिट कार्ड नहीं खुला है तो कॉल कट कर दिया गया। बोला एग्जाम होगा, अब आप बताइए क्या करें। फिर से ट्राई कर रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं, जानने का अधिकार है। सर 9 को एग्जाम है, एडमिट कार्ड नहीं खुल पा रहा है तो कब खुलेगा सर? बच्चे परेशान हैं। सर मेल आया कि एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होगा, मगर एडमिट कार्ड खुलने जाता है तो बस पोस्टपोन का डेट दिखा जाता है। हाँ 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 वो सर जब एडमिट कार्ड खोलते तब ऐसा दिखता है सर, बच्चे लोग का मैसेज आता है मेरे पास, है भी मेरे पास विद एविडेंस। नहीं मैं टीचिंग करता हूँ, मैं टीचर हूँ। तो सर 9 को भी ये पोस्टपोन्ड हो गया, 9 वाला भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया सर। ओके सर, बच्चा कंफ्यूज है काफ़ी, लेकिन नहीं खुलेगा तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, वही ना सर? क्या सर? सर एग्जाम बाई चांस इसको एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा तो क्या समझेंगे, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया? हाँ सर ये 9 तारीख को 10 तारीख का एग्जाम है, बच्चे लोग का एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है सर। एडमिट कार्ड जब खोलता है ना तो उनको बताया जाता है पोस्टपोन्ड है, बस ये बताया जाता है 11 तारीख का डेट का पोस्टपोन्ड। हाँ ठीक है सर, 11 तारीख का डेट का पोस्टपोन्ड बताता है जब डाउनलोड होता है तो। देखिए गाइस फाइनली काफ़ी सारे परेशान हैं। तो खैर ये था सर, तो खैर ये था एंड सो आप लोग भी बात कर सकते हैं, अगर आप लोग कोई बात करना है। ये सीधा बोला कि अगर आप लोग नियर है तो इनके ऑफिस भी आप जा सकते हैं, है ना, और उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो कुछ ये था,
इसी तरह कुछ और भी अपडेट होगा हम सारा अपडेट देते रहेंगे आप लोगों के बीच। थैंक यू।